Hello, hello, hello. इधर आओ. Okay. How are you doing? Yeah. Good to see you. इधर इधर. Thank you. अरे बहुत overwhelming feeling है. मैं बचपन से जब से 3 या 4 साल का था तब से यहीं पढ़ रहा हूँ. जमनाबाई नर्सरी स्कूल इज होम टू मी. मेरे माता पिता ने भी यहीं से पढ़ाई की थी, मेरी बहन ने भी यहीं से की थी और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को भी एक अजीब सा लगाव था स्कूल से. तो एक बहुत प्राउड मोमेंट है. द ठक्कर फैमिली इज एक्सट्रीमली क्लोज टू अस. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आज क्या क्या होने वाला है. और आई एम श्योर मैं भी इमोशनल हो जाऊँगा और मैं भी चीयर करूँगा और इन्जॉय करूँगा आप सबके साथ. सो ऑल माई लव ऑलवेज एंड ऑल माई सपोर्ट ऑलवेज टू जमनाबाई नर्सरी स्कूल एंड द एंटायर ट्रस्ट. माई हार्ट इज ऑलवेज विद जमनाबाई. जी. अरे बहुत मस्ती की है. सो मस्ती बहुत की. हर बार ब्लैक लिस्ट में होता था मैं. नंबर वन नेम मेरा ही होता था. पर उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई भी बहुत की. मैं लोग विश्वास नहीं करते जब मैं बोलता हूँ पर मैं टॉप 3 या 4 में आता था. तो पढ़ाई भी बहुत करता था, मस्ती भी बहुत करता था, होमवर्क कभी कभार नहीं भी करता था. और टीचर्स हमेशा मुझे बहुत डांटती थी पर अगर टीचर्स से पूछते आप कि आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है तो वो मैं ही था. तो आई फील प्राउड टू से दैट ऑल माई टीचर्स आई एम गोइंग टू मीट ऑल ऑफ देम. इट्स अ लवली फीलिंग. आई एम वेरी एक्साइटेड और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इवनिंग. इवन द वेदर आउटसाइड इज फैंटास्टिक. तो इट्स फन टू वेयर स्वेटर्स इन बॉम्बे इन मुंबई सॉरी. सो वेरी एक्साइटेड. कभी नहीं. मेरे सारे जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो सारे वो लोग हैं जैसे पार्थ, ऋषभ, मानसी, मनाली. ऐसे मेरे बहुत दोस्त हैं जो बचपन से साथ में मेरे साथ पढ़ रहे. तो मेरे जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो सारे बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो जो बचपन के दोस्त होते हैं उनके साथ किसी की तुलना नहीं कर सकते. वो एक अलग ही लगाव होता है, एक अलग ही बॉन्ड होता है. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल ऑफ देम हियर. आई एम वेरी एक्साइटेड. या जी जी. I am going to sign something very soon. I am in talks for a comedy, one family drama, one love story. So, बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट सुनने में आएगा और प्लीज़ प्रे फॉर मी. थैंक यू. लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू सो मच. बाय. अरे बहुत बड़ा दिन है फॉर मी. माय सन पार्थो गुप्ते वाज ट्यूटर्ड इन दिस स्कूल एंड टुडे इज एट द स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स ऑल बिकॉज ऑफ द वे जमनाबाई हैज क्रिएटेड माय सन. आई एम सो प्राउड टू बी अ पेरेंट हियर एंड 50 इयर्स ऑफ जमनाबाई. हिपे पूरे हिपे पूरे हिपे पूरे. मैंने काफ़ी बेटे के लिए क्योंकि मेरे बेटे ने यहाँ पढ़ाई की है, मैंने नहीं, बट बेटे के साथ मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ एंड यस सो मेनी प्लेज आई हैव पार्टिसिपेटेड इन एलोक्यूशन डिबेटिंग. माय सन वाज टॉप ऑफ द पॉप्स हियर पार्थो गुप्ते. बहुत मस्त. But everything is good and we are nearly complete. We are 98% finished with the shoot. We have some patchwork to do in Feb and that's it. नहीं नहीं वो तो बहुत फर्क तो आदमी महसूस करता है, बच्चे महसूस नहीं करते. तो अगर मैं अपने बचपन में घुस जाऊँ तो मुझे लगता है सेम चल रहा है क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं. एंड इस तरह का उम्दा स्कूल मेरे ख्याल से इट्स एन इंस्टीट्यूशन बाय इटसेल्फ. एंड आई थैंक जयराज भाई एंड सुजय एंड विश देम ऑल द बेस्ट. 50 साल हो गए और शुभकामनाएँ.
किसके? स्कूल के सर्विसेज से ज़्यादा स्कूल के एजुकेशन के बारे में बात करूँगा मैं, क्योंकि ये कोई सर्विसेज प्रोवाइडिंग प्रोवाइडर नहीं है, ये एजुकेशन प्रोवाइडर है। और बात यह है कि जिस तरह से कॉन्फिडेंस बच्चों में बढ़ता है इस स्कूल में, एंड यू सी दैट दे बिकम नेचुरल लीडर्स, चाहे वो आर्ट्स में हो या स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में हो, एजुकेशन में हो, दे ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। You will see a Jamnabai child in the Ivy League always, and that's because of the doing of the children and the teachers that support them. Oh, she's an absolutely fantastic actor, and there's a fantastic ensemble with Manav Kaul and Shubhra Jyoti playing the father. So we've created a family there, the Nehwal family and the coaches. So I think I couldn't have gotten luckier, as I would say. Thank you so much. Thanks. चाहूँगा कि जमनाबाई नरसिंह मोहन जी स्कूल कमाल की स्कूल रही है। हालांकि मैं मानी सिंह ऊपर से हूँ और ये स्कूल मेरी आर्च राइवल थी एक ज़माने में। आई यूज़ टू हेट दिस स्कूल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, बट आज की तारीख में मेरे तीनों बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं और आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट माई किड्स आर स्टार्टिंग हियर। दिस स्कूल हैज़ बीन एबली रन बाय जयराज भाई एंड हिज प्रीडिसेसर्स, and aaj bhi the quality and the kind of kids that churn out of this school is something we should all be proud of, and we all are. And many thanks to all the trustees and people connected with the school for giving us such a wonderful institution where our children come out in the best possible form. स्कूल की क्या मेमोरीज? हाँ, स्कूल की मेमोरीज एक खास मेमोरी है जमनाबाई को लेकर की है। मानी जी के ऊपर स्कूल के मैं, जैसे मैंने कहा, मैं था और जमनाबाई में आए थे और हमारी वॉलीबॉल टीम वर्सेस जमनाबाई की वॉलीबॉल टीम, तो उनके होम ग्राउंड पे आकर के हमने जमनाबाई को बहुत बुरी तरह से हराया था। आज की तारीख में पहली भी तारीख है। मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ, मेरे कई करीब के दोस्त भी हैं बहुत ही सिंपल स्कूल से, सिंपल बैकग्राउंड से आए। अगर भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है, टैलेंट दिया है, तो आप किसी भी स्कूल से आ कर के आप बढ़िया से बढ़िया नाम कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं। देखिए, हर किस्म की स्कूल होगी, कुछ स्कूल होगी जो बिजनेस करती है, कुछ स्कूल होगी जो एजुकेशन देना चाहती है, एंड देयर आर सम वर्किंग एट द रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल, जो बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। आपके चॉइस के हिसाब से आप उस स्कूल को चुने, समझे। और मैं ये नहीं मानता कि किसी भी होनहार बच्चे को कोई रोक पाता है। मेरे कई करीब दोस्त, मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया है, वो बहुत ही सिंपल सी स्कूल में पढ़े और आज टॉप बैंक्स में वो लोग टॉप की जॉब्स कर रहे हैं। तो बस ये है कि हाँ, कुछ अड़चन आएगी, लेकिन आप बिल्कुल
निराश ना हो, अगर आप टैलेंटेड है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मेरी एक फिल्म आएगी आँख मिचोली करके, बहुत ही आने वाले समय में, जुलाई अगस्त में। और उसके अलावा दो वेब शो किए मैंने, एक पवन पूजा है और एक बारिश सीजन। I think it's very, very special कि जमुना बाई 50 years is like huge, you know. I think बहुत कम schools हैं जिन्होंने grow करके अपना standard सिर्फ maintain नहीं किया, बढ़ाया है साल दर साल। I think both my kids have been to जमुना बाई, so I'm a proud जमुना बाई mother. And मुझे लगता है जो पूरे school की management है, trustees है, वो इतने involved हैं you know, in keeping up the standards, high standards of the school. So I congratulate the whole family, Chaturbhuj family, and I think most important now the new generation, Sujay also taken interest, and that's wonderful. So I wish them super next 50 years, and maybe our great grandchildren will be also in the school. School ke din to bahut miss karte hain. एज पेरेंट्स इंजॉय भी करते थे, एक बॉन्डिंग भी होता था, डांट भी पड़ती थी टीचर्स से, सब कुछ होता था। बट बोथ माई किड्स वर वेरी मच इन टू स्पोर्ट्स, सो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हुए और भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। सो एट ऑल द स्पोर्ट्स, एट ऑल द मैचेज, एट एवरी थिंग वी वर देयर, एंड थैंक यू जमुना बाई फॉर गिविंग माई चिल्ड्रन अ लवली चाइल्डहुड। सॉरी वेल, अभी फिल्म की बात करने से, यस, पीपल हैव फाउंड इट अ फन फिल्म, एंड आई थिंक आई पर्सनली लाइक ह्यूमर एंड कॉमेडी, तो मज़ा आता है थोड़ा पागलपन, थोड़ी मस्ती देखने में। म्यूजिक इज़ एक्सेलेंट, सो पीपल हैव लव्ड दैट। थैंक यू। Yeah, actually. आई थिंक एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल डे है हम सब के लिए, एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल फीलिंग,
एंड जस्ट टू सी के आपका स्कूल यू नो इट्स ग्रोइंग एंड इट्स ग्रोइंग सो वेल एंड टुडे आई थिंक ग्लोबली जमुनाबाई नरसी स्कूल हैज़ मेड इट्स नेम अक्रॉस इवन इंटरनेशनली एंड इनके हर जो प्रोग्राम्स इंक्रीज होते जाते हैं हम लोग जब थे तब आई बी नहीं था अब आई बी भी जुड़ गया है एंड आप इनका पूरा कंपाउंड देखेंगे यू सी द कैंपस इट इज़ अ फैंटास्टिक कैंपस सो आई एम सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड एंड आई एम सो प्राउड दैट आई एम हियर फॉर द 50th ईयर ऑफ जमुनाबाई नरसी ऑफ कोर्स बहुत सारी मेमोरीज हैं लेकिन वो बहुत लंबा अरसा पड़ जाएगा मैं आपको सुनाती जाऊँगी तो बट आई थिंक एवरी टाइम व्हेन यू वॉक इनटू स्कूल चाहे वो एनुअल फंक्शन हो या टैबलोज हो या हमारे स्कूल कॉम्पिटिशन्स हो सब अभी तक हर चीज़ इतनी अच्छी तरह मेमोरी में यू नो आई रिमेंबर इट सो वेल एज इफ इट हैपेंड यस्टरडे सो इट्स वेरी स्पेशल टू मी थैंक यू गाइस विद्या तू बैठ जा गाड़ी You know, Jamunabai has always been an amazing institution and one has heard so much about it. So I'm here to wish them all the best because it's a landmark year for them. Very. Yaar, school ki yaadein humko kisi ko yaad hi nahi karni hoti hai. आजकल का स्कूलिंग चेंज हो गया है जहाँ पे बच्चों को स्कूल जाने को मजा आता है हम लोग तो डरते थे बिल्कुल मुझे लगता है कि पहले तो मैं सुजय और मैम दोस्त है काफ़ी सालों से 50 सालों से तो नहीं लेकिन 5 सालों से तो है लेकिन एक बहुत ही अच्छे इंसान है और मैं उनके लिए आज खास आया हूँ ऑफकोर्स जे एन एस की सक्सेस स्टोरीज तो काफ़ी है एक स्टूडेंट तो मैं नहीं हूँ लेकिन मैं जो अभी देख रहा हूँ कभी मुझे वापस खुद को एडमिशन लेनी है तो मैं यहाँ आऊँगा थैंक यू मुझे तो स्कूल से सीख के आगे जाना चाहिए और फिर वापस स्कूल कंट्रीब्यूट करना चाहिए मिस तो नहीं करना चाहिए स्कूल के लिए थैंकफुल रहना चाहिए थैंक यू बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ जमुनाबाई का जी लोग यहाँ पे ठीक मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं जमुनाबाई स्कूल का एक बहुत जमुनाबाई एक्चुअली मेरे दिल का बहुत बड़ा हिस्सा पा चुका है इतने सालों में मैं एक स्टूडेंट यहाँ पे था बहुत सारे सालों तक मतलब 10वीं तक और 12वीं तक और यहाँ के सब टीचर्स जो हैं स्टूडेंट्स जो है जो मेरी मेमोरीज़ है वो अभी भी बहुत फ्रेश है मेरे दिमाग में तो
मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम लोग जमुना बाई का जो 50th ईयर एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट करें। मैं एक्चुअली हमें जो ब्रेक्स मिलते थे क्लासेस के बीच में, हम लोग वहाँ फील्ड पे जाके खेलते थे फुटबॉल और क्रिकेट, तो वो मुझे बहुत याद आते हैं। सॉरी, बहुत सारे अभी मैं नॉन फिल्म सिंगल्स प्लान कर रहा हूँ, थोड़े हिंदी में और थोड़े इंग्लिश में भी, तो बहुत सारे हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या गुनगुनाऊं मैं हूँ हीरो तेरा, हाँ मैं हूँ ही।